क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई एंड नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। ठीक है, अब यहाँ मैंने कॉस एक्स फंक्शन क्या है, कॉस एक्स का मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करो, पहले तो ग्राफ से फील करो, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से पाई के बीच में, 0 पे ओपन है, पाई पे ओपन है, तो 0 से पाई के बीच में आप ध्यान से चेक करो उस ग्राफ को, आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही तो है। ठीक, और ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बिकॉज यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है तो जहाँ हम टेंजेंट डालें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा कैसा आएगा, 0 से पाई के बीच में एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा लेस देन 0 आएगा। ठीक, फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है पाई से 2 पाई, बिल्कुल चेक करो, पाई से 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जब आप पाई से 2 पाई ओपन इंटरवल पाई से 2 पाई की तरफ लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं। अब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई, बिल्कुल सही, चेक करो 0 से 2 पाई के बीच में ये ना तो ठीक से पूरी तरीके से इंक्रीज ही हो रहा है ना तो डिक्रीज ही हो रहा है, इसलिए हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलेंगे, बिकॉज 0 से पाई के बीच में तो क्या हो रहा है, अब हम 0 से 2 पाई के बीच में बात कर रहे हैं, इसलिए पाई को इंक्लूड कर लेंगे, अब ओपन 0 पे है और 2 पाई पे ओपन है, 2 पाई और पाई को नहीं लेना है, सॉरी 2 पाई और 0 को नहीं लेना है, पाई को इस बार लेना है। ठीक है, तो ध्यान चेक करो 0 से पाई के बीच में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और पाई से 2 पाई के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए 0 से 2 पाई के बीच में फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ए एंड बी वी कैन सी दैट सिंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू 2 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, हेंस वी कैन सी फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू 2 पाई। बात समझ में, तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब इसको हम कैलकुलस की हेल्प से कैसे करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट, ये तो हमने ग्राफ बनाकर विजुलाइज आपको करा दिया, देखो विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे एग्जाम में, आप कैलकुलस की हेल्प से करोगे, इसलिए आपको कैलकुलस पढ़ाया गया है, बिकॉज ये तो इजी फंक्शन है, कॉस एक्स का ग्राफ तो हम बना सकते हैं ना, हर फंक्शन का ग्राफ थोड़ी ना बना लोगे, तो ये एफ ऑफ एक्स है तो आपने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, और क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, इतना तो सबको पता होगा ना, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसको हमने इक्वेशन वन बनाई। अब सॉल्व करते हैं क्या, पार्ट ए, पार्ट ए में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई, अब आप चेक करो क्या सबको पता होगा, ये 0 यहाँ पर पाई बाई 2 इतना तो पता होगा, हाँ ये पाई और ये 3π/2 और वापस घूम के यहाँ आ जाओगे तो 2π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में सबको पता है साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के रिजल्ट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए 0 से पाई के बीच में अगर हम बात करें, सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स की वैल्यू भाई इस इंटरवल में देखो ना, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो सोचो जरा साइन एक्स अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव क्या अगर नेगेटिव लगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा यार, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 से पाई। समझ के बाद फिर से सुन लो, एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ऐसी हुआ करती है कि साइन एक्स कैसा हो जाता है, साइन एक्स पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन एक्स अगर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव के आगे नेगेटिव लगा है तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, और ये पूरा किसके इक्वल है, एफ डैश ऑफ एक्स के, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स भी क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, लेस देन 0 से, तो कंडीशन क्या गई, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू पाई, और ये एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, बाकी आप खुद लिखोगे, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 टू पाई, ये लैंग्वेज आप खुद लिखोगे। पार्ट बी, पार्ट बी में आपको इंटरवल क्या दिया है, पाई से 2 पाई, ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करिए कि साइन एक्स इज नेगेटिव, साइन एक्स इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए पाई से 2 पाई के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपका यहाँ भी साइन नेगेटिव होता है और यहाँ भी साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो पूरे इंटरवल में साइन नेगेटिव है, और साइन अगर नेगेटिव है तो ये पूरा नेगेटिव हो गया, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव इस इंटरवल में, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया आपका ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू व्हाट पाई टू 2 पाई। बात समझ में, तो ये किसकी कंडीशन होती है, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हेंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। नाउ अब आप अपनी कॉपी में लिखो, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ए एंड बी वी कैन सी दैट इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई, कहानी खत्म, नंबर पूरे आपको मिल गए, लेकिन यहाँ पर मैंने थ्योरम 1 लिखी है बिकॉज मुझे पता है आप बुक तो खोल के बैठोगे नहीं, ठीक है मेरे से ही लिखवाओगे,
चलो कोई बात नहीं, लिखा है मैंने। थ्योरम वन में क्या कहता था, लेट एफ बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल जीरो टू सॉरी इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी, यहाँ इंटरवल क्लोज होता था। ठीक है, सुनो अभी तुमने आंसर क्या करें, ध्यान से चेक करो, तुमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये आंसर करें। अगर इसी क्वेश्चन को पता एग्जाम में घुमा के पूछ लेना और बोल दे क्या कि ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है और ये इंटरवल क्लोज कर दे, तब आप क्या करोगे, सुनो सुनो, तब आप ये वाली थ्योरम याद करोगे। अगर हम इस इंटरवल को क्लोज कर दें यानी कि जीरो और पाई इस बार इंक्लूडेड है, कहता था कि एफ इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ओपन इंटरवल ए बी का मतलब जीरो से पाई ओपन, ये दोनों भी इंक्लूड नहीं किए, तो पहले आप चेक करो कि जीरो से पाई के बीच में क्या है डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है, चेक करो जीरो से पाई के बीच में क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल है। क्यों, अरे यार आप एफ डैश ऑफ एक्स कहीं भी निकाल सकते हो, उसकी कुछ ना कुछ एक डेफिनेट वैल्यू तो आएगी ना, ऐसा थोड़ा ना एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे, जीरो से पाई के बीच में आप निकाल सकते हो। ठीक है, अरे यार एफ डैश एक्स है, इसमें जीरो से पाई के बीच में कुछ भी डालो आंसर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक, ये मैं कहना चाहता हूँ, तो ये डिफरेंशिएबल तो हो गया। अब क्या ये कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई के बीच में, अब ध्यान चेक करो जीरो से पाई के बीच में तो ये कॉन्टिन्यूस है, ये देखो कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको ग्राफ बनाने के लिए मार्कर ना उठाना पड़े अपना, ये देखो जीरो से पाई के बीच में लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ एंड पॉइंट पे कि जीरो पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं और पाई पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो भैया सबको पता है कि ये ग्राफ तो ऐसे ही चलता जाता है तो ये तो कॉन्टिन्यूस है पाई पे भी, और ये ग्राफ जब आप जीरो पे पहुंचोगे तो जीरो को अगर हम जीरो पे चेक करें तब भी तो कॉन्टिन्यूस है भाई, आप चेक करो ना कॉस का ग्राफ इस डायरेक्शन में भी तो ऐसे ही चलता जाता है, मतलब जब आप जीरो पे पहुंचते तब भी मार्कर ऐसे चलाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप जीरो पे पहुंचे तो मार्कर उठाना पड़ रहा फिर यहां से ड्रॉ करना पड़ रहा, नहीं नहीं ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि आपका क्लोज इंटरवल जीरो से पाई में ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन कैसा है बताइए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और वो कहता था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो इस क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो तो फंक्शन को हम नाम देते थे क्या, स्ट्रिक्टली नहीं बोलते थे, हम बोलते थे इंक्रीजिंग इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कहाँ ओपन इंटरवल ए बी, तो चेक करो इस ओपन इंटरवल ए बी में ए टू बी में, अरे इसी की बात कर रहे हो ना, तो इस ओपन इंटरवल ए टू बी में ध्यान से चेक करिए एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है आपका लेस देन जीरो और हाँ इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन, तो आप ये वाला केस देखो। ठीक है, तो अब ये लेस देन तो जीरो है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जीरो टू पाई के बीच में ये इसका डेरिवेटिव कैसा है, लेस देन जीरो, लेकिन बच्चों ये कॉन्टिन्यूस तो है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई के बीच में, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग शब्द का यूज कर लेंगे हम एग्जाम में। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। अगर आपको याद हो तो हमने नोट्स में लिखवाया था डिक्रीजिंग में क्या केस होता था, डिक्रीजिंग में हमने आपको फाइनली एक केस लिखवाया था, यहाँ पे देखिए याद ही नहीं होगा, याद करो बच्चों, कॉपी उठाओ पीछे देखो, हमने बोला था कि एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो चल सकता है, हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा बट चल सकता है, तो ध्यान से चेक करो जीरो से पाई के बीच में तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या है निगेटिव है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स अगर निकालोगे भाई एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना, ये कॉन्टिन्यूस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो आएगी इस पॉइंट पे जीरो पे, और पाई पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एंड पॉइंट पे एफ डैश ऑफ एक्स जीरो ही तो हो जाएगा, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एफ डैश ऑफ एक्स जीरो ही तो हो जाएगा। तो बहरहाल इतना फोकस ना करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता था, वो स्ट्रिक्टली शब्द यहाँ से हटा देता और यहाँ से भी हटा देता, बोलता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, तब आप क्या करते, तब आप ये वाली थ्योरम लिखते कि एज वी नो दैट वॉट कि एफ बी द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द इंटरवल ए कॉमा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, देन एफ इज वॉट एफ इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। असल में इसी तरीके से पार्ट बी में देखिए जरा, अगर हमको ऐसा बोला था क्वेश्चन कि ये इंक्रीजिंग आप इसको क्लोज इंटरवल पाई टू टू पाई बोल सकते हो, तो बस देखो बच्चों यहाँ बस ये चेक करना होता है कि फंक्शन एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो वो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा या आप क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ के आओ तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चेक करो पाई और टू पाई पे, ध्यान से चेक करो ये रहा पाई और ये रहा टू पाई, यहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है यार, जैसे ही आप पाई पे पहुंचोगे, अरे यार ये लगातार जब ड्रॉ ही होता जा रहा है कहीं उठाया नहीं आता, तो पाई पे भी कॉन्टिन्यूस है, पाई और टू पाई के बीच में तो है ही, पाई और टू पाई के बीच में तो है ही, टू पाई के आगे भी तो ये चलता जाता है और पाई के पीछे भी चलता जाता है,
बात समझ में। इसलिए एंड पॉइंट्स पाई और टू पाई में भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज इंटरवल में कैसा है, पाई से टू पाई क्लोज इंटरवल में ये कैसा है, स्ट्रिक्टली शब्द हटा के हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग की कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि इंक्रीजिंग अगर सिर्फ बोला जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं मतलब होता है क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, जीरो इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो आप चेक करो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी मतलब पाई से टू पाई के बीच में, के बीच में पहले बात करो कि बीच में तो ये इंक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट क्या है इसका, पाई पाई पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे भैया एक्स एक्स के पैरेलली तो आएगा, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो भी बोल सकते हैं हम एंड पॉइंट पे। टू पाई पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस ग्राफ पे तो एक्स एक्स के पैरेलल आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये कहानी थी, तो क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है, आपको ये नोट लिख देना है अगर वो क्वेश्चन ऐसा पूछे क्लोज इंटरवल पे, तो सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द एंड पॉइंट जीरो पाई टू पाई, चेक करो जीरो पे भी कॉन्टिन्यूस, पाई पे भी आगे चलता जाता है, टू पाई पे भी आगे चलता जाता है, हेंस फ्रॉम द थ्योरम नंबर वन, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे फ्रॉम द थ्योरम नंबर वन, ना 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 ना, आप थ्योरम लिख के दिखाओगे वहाँ फटाफट, याद होनी चाहिए आपको। तो एफ इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड डिक्रीजिंग इन दिस, स्ट्रिक्टली शब्द का यूज़ यहाँ पर हमने नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है आपको और यही मैं बताना चाहता था, कर लीजिए खेले।